नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मृदुल चंदेल। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। आज शाम 6 बजे के बाद प्रचार थम जाएगा। इस चरण में 16 जिलों की 79 सीटों पर 20 फरवरी को मतदान होगा। दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए ये चरण अहम है। बीजेपी ने 2017 के चुनाव में इन 79 में से 49 सीटों पर जीत दर्ज की थी। सपा कांग्रेस गठबंधन को 9 सीट मिली थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अखिलेश यादव के चुनाव क्षेत्र करहल में जनसभा करेंगे। बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ल के मुताबिक इस चरण में 16 जिले की 79 सीटों पर 20 फरवरी को मतदान होगा। तीसरे चरण में हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, इटावा, मैनपुरी, कासगंज, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा में चुनाव होगा। मतदान सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। इस दौर में 2.16 करोड़ मतदाता 627 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद करेंगे। इस चरण के प्रमुख उम्मीदवारों में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का नाम प्रमुख है। वो मैनपुरी जिले की करहल सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वहां से बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को उतारा है। वहीं योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री सतीश महाना कानपुर की महाराजपुर, राम नरेश अग्निहोत्री मैनपुरी के भौगांव और नीलिमा कटियार कल्याणपुर से चुनाव मैदान में है। अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव की हार जीत भी इसी चरण में तय होगी। वो इटावा की जसवंत नगर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं कानपुर की किदवई नगर सीट से वरिष्ठ कांग्रेस नेता अजय कपूर चुनाव मैदान में है। फर्रुखाबाद सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद कांग्रेस के टिकट से चुनाव मैदान में है। बसपा छोड़कर बीजेपी में आए विधायक रामवीर उपाध्याय हाथर की सादाबाद सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बनरिया वन इंडिया हिंदी के साथ।